आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के शामगढ़ी क्षेत्र में गोगादेव महाराज का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम में हर्षोल्लास के साथ वाल्मीकि समाज द्वारा मनाया गया। इस जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर छज्जी की पूजा अर्चना करने के बाद वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य छज्जी यात्रा निकाली। इसमें 16 छज्जियां हैं जो अलग अलग शहरों से आई है, जो भव्य आकर्षण का केंद्र रही। ये छज्जी यात्रा शामगढ़ के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। छज्जी यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। गोगादेव महाराज का जन्म 4 सितंबर को हुआ था। ऐसी मान्यता है कि सावन के पहले दिन से ही गोगादेव महाराज का जन्मोत्सव सवा महीने तक मनाया जाता है। इस छज्जी यात्रा में वाल्मीकि समाज के साथ नगर के कई लोगों शामिल हुए। इस छज्जी यात्रा का शामगढ़ गांव के होली चौक में समापन हुआ। इस छज्जी यात्रा में आसपास क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। खबर आपकी राजस्थान से, श्रीपाल सिंह देवरा की रिपोर्ट। ये है कि वाल्मीकि समाज जिसे पूछती है और अधिक लोग भी पूछते हैं, बहुत सारे लोग मानने वाले मानते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि भाई ये वागड़ के राजा है, इनको हम पूछते हैं। पद्मनाभ अवतार, ये गोगा शिरोमणि, और हम रतलाम से आए हैं। यहाँ पूजा अर्चना के लिए बुलाया गया है। गोगा जी महाराज का लिखा झंडा और गोगा नवमी, इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है गोगा नवमी के दिन, जिसे 4 सितंबर को है गोगा नवमी। बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है।